बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साइमा आमिर, योर मैथ्स टीचर। आई वेलकम यू इन योर मैथ्स क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट होम। स्टूडेंट्स, वी हैव डन प्रीवियसली एक्सरसाइज 1.3। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4, वी हैव टू स्टडी learn about continuity of functions and limits and its left. Okay, before starting continuity of a function, we have to learn about one-sided limit or left-hand side or right-hand side limit. So left-hand limit and right-hand limit ka jo concept hai wo matlab aap पढ़ेंगे वन साइड लिमिट में। इन डिफाइनिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, वी रिस्ट्रिक्टेड एक्स टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, दैट इज़ वी स्टडीड द बिहेवियर ऑफ एफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी। ओके, अब लिमिट जब अप्रोच करती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को अप्रोच करने के दो तरह से जो होता है हम उसको अप्रोच करते हैं, लाइक लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। However, in some cases, it is necessary to investigate one-sided limit, that is left hand and the right hand limit. The left hand limit के बारे में देखें, if x approaches to c, f of x is equals to L, is read as the limit f of x is equal to L, as x approaches to c from the left side. अब देखें, किसी भी नंबर को c कोई सा constant नंबर है, अगर हम कह रहे हैं कि c को कोई left side से approach करेगा, obviously वो नंबर जो है वो c से less होगा, ठीक है ना। अगर आप नंबर लाइन पर सी को कंसीडर कर लें टू, तो टू को जब कोई लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, जो भी एक्स के लिए अगर आप देख लें, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा और वो टू से लेस नंबर होंगे। तो यही बात उसमें बताई हुई है, दैट इज़ फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एल। मतलब प्लीज टू एल का मतलब है कि जितना हम उसके नज़दीक जा सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली सी, ठीक है। उसमें सी खुद शामिल नहीं है, बल्कि सी के जितना नज़दीक हम लेफ़्ट साइड से जा सकते हैं उस नंबर के। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रही थी टू के बारे में, तो लेफ़्ट साइड से जो टू को अप्रोच कर रहे होंगे नंबर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव नंबर हो। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, टू से जो लेस नंबर होंगे लेफ़्ट साइड से, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, लाइक 1.9999 लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। और इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, तो टू को जो नंबर्स राइट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे वो टू से बड़े होंगे। सो यही बात इसमें बताई हुई है, सफिशेंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी, ठीक है। मतलब वो टू से के बहुत नज़दीक होंगे लेकिन टू से बड़े होंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ टू की, तो राइट साइड से जो नंबर टू को अप्रोच कर रहे होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके माइंड में आ रहा होगा, वो होगा 2.0001, 2.0002, मतलब इस तरह से मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम। प्लीज टू एम का मतलब यही कि जितना ज़्यादा हम नज़दीक उसके जा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जी, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया होता है, जिसमें आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो रिज़ल्ट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड का किस तरह से, कि आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट्स भी अप्रोच उसको करके और उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है, और राइट साइड पर भी जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसमें आपने लिमिट अप्लाई करके फाइंड करना है। तो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो ओरिजिनल जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, जिस पर कि फंक्शन डिफाइंड है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, उसके इक्वल आना चाहिए। फाइन स्टूडेंट, अब जी हमारे पास डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। जी, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत दफ़ा ये बोर्ड के रिजल्ट पेपर्स में आ चुकी है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन कब होता है, उसके लिए हमारे पास अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी अ कॉन्टीन्यूस एट नंबर सी इफ़ एंड ऑनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो थ्री कंडीशंस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वैल्यू पर आपको उन्होंने फंक्शन के लिए कहा है कि इस वैल्यू पर आप इसको फाइंड करें, तो उस पे आपका फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। इसका फर्दर आपको अच्छी तरह से जो समझ है क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी, मतलब कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, जो आपको वैल्यू गिवन है उसको पुट करने पर आपके पास एक डिफाइंड वैल्यू आ जाए।
जी, सेकंड कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा लिमिट एग्जिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो है वो सेम आ जाए, तो उसे हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और थर्डली, थर्ड जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स के को ही मद्देनज़र रख कर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम होना चाहिए। लाइक एफ अप्रोच लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू सी एंड एफ ऑफ सी, दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम्स बोर्ड के पेपर में अगर इस तरह से आ जाता है कि डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन को डिफाइंड करें, तो उसके लिए भी आप ये तीनों कंडीशंस लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे इफ़ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशन फेल टू होल्ड एट सी, देन द फंक्शन एफ इज़ सेट टू बी डिसकॉन्टीन्यूस। इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी अगर आपकी फुलफिल नहीं होती, तब आपका फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। ऑल राइट, एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर वन है इसका। इसमें उन्होंने पूछा है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू सी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्यूशन किया हुआ है। इसमें आपको उन्होंने कहा है एट सी इज इक्वल्स टू वन जो है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसमें दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, बिकॉज आपके पास सिंगल फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये सिंगल फंक्शन है। अब आप कहेंगे सिंगल फंक्शन के अलावा क्या फंक्शन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पीस वाइज फंक्शन भी पढ़ेंगे, जिसमें एट अ टाइम आपको एक से ज़्यादा फंक्शंस दिए हुए होते हैं, उसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो सिंगल फंक्शन में आप जब सी इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से शो करते हैं कि उस नंबर के ऊपर जो भी लिमिट की दी हुई होती है छोटा सा माइनस लगा देते हैं, तो विच शोज दैट दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड व्हेन वी पुट प्लस एट द टॉप ऑफ द गिवन नंबर, तो विच शोज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये छोटा सा प्लस आपको नज़र आ रहा होगा और ये छोटा सा माइनस है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर माइनस वन पुट करना है, पुट आपने वही वैल्यू करनी है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जी, तो हमने लिमिट इस पर अप्लाई करनी है और इस पर हमने लिख दिया वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने वन पुट कर दिया, रिजल्ट विल बी माइनस टू। एंड सेम इन द राइट हैंड लिमिट में भी हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन ही पुट किया। ऑब्वियसली एक ही फंक्शन में दोनों बार वन पुट करेंगे तो रिजल्ट तो सेम आएगा, तो दोनों का रिजल्ट माइनस टू आ गया। तो वी कैन सी क्लियरली दैट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट सेम आया है, तो ऑब्वियसली जो लिमिट आपके पास रिजल्ट उन्होंने मांगा है एट एक्स अप्रोचेस टू सी वो हम, अच्छा, जब हम फाइनल रिजल्ट देने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ वन पर ना तो माइनस लिखा है ना ही वन पर प्लस लिखा है, तो इसको हमने न्यूट्रल लेकर जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होता है, प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी नहीं लगाना होता। समटाइम्स आपके क्वेश्चन में यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पर माइनस वन होता, तो ऑब्वियसली तो आप वन के साथ यहाँ पर नीचे ही वन माइनस लगा देते। ठीक है, ऊपर माइनस या प्लस हम यहाँ नहीं लगाते जब हम इसका रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू आपके पास रिजल्ट है। इसका सेकेंड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री। जी, अब यही बात जो अभी मैंने आपको बताई, जब आपके क्वेश्चन में ही नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, मतलब आपको एफ फंक्शन फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, सी क्यों एक्स क्योंकि सी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकती हूँ सी अगर माइनस थ्री है तो ऑब्वियसली एक्स क्योंकि सी को अप्रोच कर रहा है तो मैं एक्स जो है अप्रोचेस टू माइनस थ्री करूँगी। जी, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए, मैंने जहाँ जहाँ एक्स है, अच्छा छोटा सा माइनस आप यहाँ लिखते हैं जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं, वो ऊपर लिखा जाता है माइनस। ठीक है, तो इसमें मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस पुट कर दिया, तो उससे आपके पास रिजल्ट आ गया जीरो बाय माइनस सिक्स विच इज़ ज़ीरो। एंड जहाँ जहाँ आपके पास सेम इसी ही फंक्शन में दोबारा मैं माइनस थ्री पुट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो सेम आएगा ही। ठीक है, इट्स नो डाउट कि आप यहाँ पर ऊपर प्लस लिख रहे हैं और यहाँ पर ऊपर माइनस लिख रहे हैं, लेकिन पुट आप उसमें माइनस थ्री ही कर रहे हैं दोनों दफ़ा। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट जो है वो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू माइनस थ्री, दोनों पर जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आ गया है, तो आपका लिमिट जो है फॉर एक्स एक्स अप्रोचेस टू माइनस थ्री इज़ ज़ीरो। ऑल राइट, नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट्स, इसी का जो थर्ड पार्ट है ये ज़रा डिफरेंट है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट के लिए थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंट देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको माइनस और प्लस साइड पर लेकर जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव एब्सोल्यूट,
एंड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5 या सी इज इक्वल टू 5। मैं इसमें एक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है इन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्स सी की जगह एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। नेगेटिव साइड से जब आप करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू 9th-10th में, कि जब आप एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस और माइनस आता है। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर जब कर रहा होता है उसको पर्टिकुलर नंबर को, तो वो मतलब उससे कम होता है, तो इसलिए हमने इसमें माइनस लगा दिया है और यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। ये सिर्फ एब्सोल्यूट में हमने करना होगा, फाइन जी। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने यहाँ माइनस पुट किया है और माइनस से बाहर आएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो उस पर खैर फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा एंड द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। और इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो उसमें भी प्लस है एंड द रिज़ल्ट विल अगेन सेम ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है। देयर फॉर फंक्शन जो है वो आपके पास इस इफ़ एक्स अप्रोचेज टू सी, तो आपके एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 5 को, द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। ऑल राइट जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। जी हाँ, यहाँ पर हम पीस वाइज फंक्शन देख रहे हैं। पीस वाइज फंक्शन मीन एट ए टाइम आपको एक से ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो डील करने पड़ते हैं, मतलब उनको आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही फंक्शन में आप उसमें देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है बट उसमें दो तरह के फंक्शन दिए हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। जी अब आपको उन्होंने कहा है कि सी की वैल्यू जो ये दी हुई है सी इज इक्वल्स टू 2, इट्स मीन कि एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक्स और सी क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया है सी जो है वो एक्स को अप्रोच कर रहा है या एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैं सी की जगह यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 2 लिख रही हूँ। ऑल राइट, अब आपने देखना है कि क्योंकि कंटिन्यूटी की बात है, सबसे पहले आपने देखना है फंक्शन डिफाइंड किस पर है, मतलब जिसमें इक्वल का साइन आ गया। यहाँ पर एक्स जो है 2 से लेस है और या इक्वल है, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। जब इक्वल का जो फंक्शन हमारे पास आता है वो हमने उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर देनी होती है जी, तो हम क्या करेंगे f ऑफ 2 पर ये फंक्शन लेंगे 2x प्लस 5, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नीचे आ गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x की जगह f ऑफ 2 लिखा और इस फंक्शन में 2x प्लस 5 में 2 पुट कर दिया। ऑल राइट, द रिज़ल्ट इज़ 9। सो फर्स्ट जो कंडीशन थी कि फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, तो यस ये फुलफिल हो गया क्योंकि हमारे पास 9 एक डिफाइंड नंबर है और डिफाइंड आंसर है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं कि क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ गिवन हेयर इज इक्वल्स टू 2। जी आपने देखना है कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 क्या आपका फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब मैंने आपको भी बताया जो क्राइटेरिया वो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिज़ल्ट सेम होना चाहिए। ऑल राइट, तो हम देख लेते हैं, जब फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से लेस है तो आप ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 2 से लेस कब होता है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे। ऑल राइट, 2 से ग्रेटर नंबर, ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर नंबर के लिए आप फंक्शन कौन सा लेंगे 4x प्लस 5। अब इस फंक्शन में डाउट होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए या ना आए, क्योंकि आपका फंक्शन ही डिफरेंट है, ठीक है ना। प्रीवियसली जो आपने सिंगल फंक्शन डिस्कस किया उसमें जो है वो कंफर्म बात होती है कि लेफ़्ट और राइट जो है वो आपके पास सेम आ जाएं, बट पीस वाइज फंक्शन में आपके पास डाउट होता है कि आपका लेफ्ट हैंड फंक्शन का और राइट हैंड फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं भी आ सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही डिफरेंट है। तो ये अब 2 के ऊपर छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, इट्स मीन आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली जिसमें एक्स जो है वो 2 से लेस होगा, तो 2 से लेस है 2x प्लस 5 में, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट मैंने 2 ही करना है। बार बार स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपने माइनस पुट नहीं करना, हरगिज़ मतलब नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हो तो आप उसमें माइनस पुट कर दें, नहीं, आपने जस्ट फंक्शन जो है वो देखना होगा कि उससे कम वाला। सो 2x प्लस 5 में आपने ये पुट किया और रिजल्ट इज़ 9। अब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इट्स 2 से ग्रेटर जो फंक्शन आपका आ रहा है, 2 से ग्रेटर कब है, 2 से ग्रेटर कब है, जब आपका फंक्शन है 4x प्लस 5,
तो आपने 4x प्लस 5 में जहाँ जहाँ एक ही जगह पर हमें नज़र आ रहा है एक्स, इसकी जगह मैंने 2 पुट किया, द रिज़ल्ट इज़ 9। सो लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का दोनों का रिज़ल्ट 9 आ गया है। तो जब आप फाइनल लिखते हैं तो आपने ना तो 2 के ऊपर प्लस लिखना है ना ही 2 के ऊपर माइनस लिखना है, आपने फाइनली एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9 लिख दिया। ठीक है, फाइनली जो थर्ड पार्ट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशंस थी, ए फंक्शन डिफाइंड हो, बी फंक्शन एग्जिस्ट करता हो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, एंड सी ए और बी का रिजल्ट सेम हो। तो देख लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू मतलब कि फंक्शनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू दोनों की सेम हो। तो हमने देखा कि दोनों में ही रिजल्ट 9 आ रहा है, 1 में भी और 2 में। सो वी विल से दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ऑल राइट जी, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज दिस। ऑल राइट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें बताया डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। जी, मैंने इसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। यू हैव टू ट्राई इट एट होम और उसको ट्राई कीजिएगा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिएगा, वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू, पीस वाइज फंक्शन है। अब एक्स इज इक्वल्स टू 2, अब आप देखिए क्योंकि मैं एक्स इज इक्वल्स टू 2 कह रही हूँ तो फंक्शन मेरा कौन कौन सा रिलेट करता है, पॉजिटिव 2 की बात हो रही है, एक तो ये फंक्शन ये वाला और दूसरा ये। ठीक है, ये दोनों सेकंड और थर्ड, फर्स्ट को रिलेट नहीं करी। फर्स्ट जो है वो जब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे घर पे ट्राई कीजिएगा तो उसके लिए आप इसका ये यूज़ करेंगे, बट इसमें ये दोनों यूज़ होंगे। फाइन, तो व्हेन एक्स इज जी, तो आ जाते हैं हम पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि इक्वल 2 कि इक्वल कब है एक्स, जब 2 के इक्वल होता है तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 3 हो जाता है, तो उसमें हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइन, ऑलराइट, इसमें मुझे पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप देखें इक्वल का साइन इसमें लगा हुआ है और इधर कोई फंक्शन ही दिया हुआ है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ 3। सो व्हेन आई पुट एफ ऑफ एक्स द रिजल्ट विल बी 3, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह तो मैंने 2 पुट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा है 2 पर आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिजल्ट इज 3। डायरेक्ट 3 हमने करना है, इसमें कहीं भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप इक्वल का साइन देख रहे हैं अपने फंक्शन के मुताबिक, ठीक है, वैल्यू के मुताबिक, एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 तो इक्वल का साइन आपके पास यहाँ है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट मैंने 3 पुट कर दिया। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। ऑल राइट, सेकेंड क्योंकि डिफाइंड आ गई है तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आगे चलते हैं, एग्जिस्टेंस देखते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो उसमें मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को देखना होगा। सबसे पहले मैं देखूंगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन जिसमें 2 से लेस, अब 2 से लेस इसमें आप देख रहे हैं इसमें 2 से लेस नंबर्स हैं, ठीक है, एक्स कहाँ है 2 से लेस साइड पर अप्रोच कर रहा है, तो उसमें हमारा ये फंक्शन है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। When I will talk about left hand limit, तो उसमें ये हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 2 put कर दूँगी। ऑल राइट, जिससे रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट में, जिससे हमारा फंक्शन जो है जिससे जो हमारी लिमिट है वो 2 से ग्रेटर साइड पर जा रही है, ठीक है ना। तो 2 से ग्रेटर साइड पर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो तो पर्टिकुलर नंबर है, दैट इज़ 3। तो हमने क्या लिखा, विच इज़ इक्वल टू 3, इसमें x अप्रोच कर रहा है 2 को बट यहाँ तो x है ही नहीं, सो रिजल्ट विल बी 3। कॉन्स्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो एज इट इज़ हमारे पास 3 रिजल्ट आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट 3 है, राइट का भी 3 है, तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ इक्वल टू 3। ऑल राइट, अब थर्ड पार्ट की बारी आती है जिसमें हमने के बताना होता है कि हमारी फर्स्ट और सेकेंड का रिजल्ट सेम है। तो बाई चांस हमारा फर्स्ट और सेकेंड का जो रिजल्ट है वो सेम है विच इज़ इक्वल टू 3। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स, अगेन पीस वाइज फंक्शन है बट इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसके साथ ही उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पर, ठीक है, जी माइनस 1 पर, क्वेश्चन में भी गिवन है एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है
आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या माइंड में आता है, ऑटोमेटिकली इट इज़ अंडरस्टूड दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी सेम, विल बी इक्वल। सो हम थोड़ा सा इसकी ग्राफिकल उसमें नंबर लाइन पर भी देख लेते हैं। माइनस वन से लेस नंबर जो हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस टू, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन देन फंक्शन विल बी एक्स प्लस टू, एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और ओनली ग्रेटर देन माइनस वन देन द फंक्शन विल बी सी प्लस टू। ओके, these sign symbols are for because limit x approaches to minus 1 f of x exists, obviously left hand limit and right hand limit answer will be same। so hum kya karte hain, left hand limit ke liye apna function likha, right hand limit ke liye hamara function c plus 2 hoga। theek hai, aap dekh bhi sakte hain yahan par right side par ye hai aur left side par ye function hai। all right, so jahan jahan x hai main wahan par minus 1 put kar rahi hu, fine दोनों साइड पर। अब आप देखें यहाँ पर तो सी है, यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। सो सिंपल। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, अगेन पीस वाइज फंक्शन है एंड हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि आपने find the value of m and n so that given function f is continuous at x is equals to 3 जी। इसमें आपका फंक्शन जो है वो x is equals to 3 continuous आप को बता दिया उन्होंने कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। आपने चेक नहीं करना कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। वैन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस सो ऑब्वियसली 3 conditions विल बी फुलफिल, और वो conditions क्या हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड लिमिट एग्जिस्टेंस लिमिटिंग वैल्यू एंड द ओरिजिनल वैल्यू विल बी सेम। सो पहले हम देख लेते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। व्हेन एक्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 3 तो आपका रिजल्ट जो है वो एन आना चाहिए, ठीक है, गिवन इन द फंक्शन। सो हमने इसमें पुट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, हम लिखेंगे एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एन, इट इज़ गिवन। सो बिकॉज फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस तो हम इसमें क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को इक्वल कर देंगे और इनकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड लिमिट में गर्ल्स सॉरी स्टूडेंट्स इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन जो है वो एम एक्स के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट जो है उसमें फंक्शन जो है वो माइनस टू एक्स प्लस 9 है, ठीक है। तो और जो एफ ऑफ 3 पर एट अ पर्टिकुलर वैल्यू हमने देखा दैट इज़ इक्वल्स टू 9, तो हमने इन तीनों को इक्वल किया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 3 पुट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट में भी 3 पुट करेंगे, कहीं भी माइनस या प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट ये शो कर रहा होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ऑल राइट, जब 3m से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आपके पास 3m आ जाएगा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास रिजल्ट 3 आ गया, n इज़ सेम एज इट इज़। अब हम यहाँ से हाफ इक्वेशन को अगर देखें, 3m इज़ इक्वल्स टू 3 सो m इज़ इक्वल्स टू n and n is equals to 3 we can see clearly from this side। इसी का सेकेंड पार्ट है, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल्स टू 4 पर जो है वो आपने कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी बल्कि उन्होंने बता दिया है कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 4 जी। 4 से लेस नंबर के लिए हमने व्हेन x इज लेस देन 4 हम mx ले लेंगे फंक्शन, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो हम x स्क्वायर लेंगे। तो इक्वल के लिए तो जब फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है उसके लिए जब मुझे लेना होगा तो उसमें मैं क्या करूँगी, f ऑफ x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 4 के लिए मैं x स्क्वायर का फंक्शन लूँगी। जब इसमें मैंने वैल्यू पुट की तो f ऑफ 4 जो है वो मेरे पास 16 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा जो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस पर फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ 4 का जो रिज़ल्ट है वो 16 आया है विच इज़ डिफाइंड। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो हमने तीनों को इक्वल कर दिया, प्लीज़ इग्नोर दिस सिंबल स्टूडेंट्स, तीनों को इक्वल कर दिया मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शनल ओरिजिनल वैल्यू जो आपके पास है तीनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऑल राइट, लिमिट अप्लाई कर देंगे, 4 अप्लाई किया इसमें एक्स की जगह 4 लिखा, यहाँ पर भी एक्स की जगह 4 एंड वी गेट 4m इज इक्वल टू 16 विच एंड 16 ऑब्वियसली ये पहले से ही हमारे पास 16 था। m की वैल्यू वी हैव टू फाइंड हेयर, m इज इक्वल्स टू 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा।
और आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो 4 आ गया इसमें एम की वैल्यू में। ऑल राइट, फाइनली क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा अगेन पीस वाइज फंक्शन है, बट इसमें आपके पास लेफ़्ट और राइट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे लेस और ग्रेटर का कोई कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बोर्ड के पेपर में अक्सर 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, सो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन। ऑल राइट, इसमें आप देखें, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और ये भी गिवन है कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। जब कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली वो तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ ऑफ 2, इसमें भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट वैल्यू में। एफ ऑफ 2 जब आप पुट करोगे तो रिजल्ट विल बी के। जी, हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है ये गिवन है कि जब एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो के आ जाता है। और दूसरी कंडीशन के कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली जब कंटिन्यूस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट भी उसी रिज़ल्ट पे कर रही होगी जिस पर वो डिफाइंड है। डिफाइंड किस पर है? के पर। जी हाँ, तो इसको हम के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास लेफ़्ट और राइट का तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 तो के है एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 तो आपके पास ये फंक्शन है, तो हम इसमें ये फंक्शन लेंगे और उसको के इक्वल कर देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो है फंक्शन। ऑल राइट, अब स्टूडेंट्स क्या माइंड में आता है स्क्वायर रूट को देख के, फ्रैक्शन को देख के? यस, रैशनलाइजेशन। तो हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, ये माइनस के सिंबल के साथ है, प्लस के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर आप देखें न्यूमरेटर में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और इसकी सिंप्लीफिकेशन के पास, जब सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखें लिमिट अप्लाई की गई है डिनोमिनेटर में, और जहाँ एक्स है वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया एंड द रिज़ल्ट विल बी √9 + √9 विच इज़ इक्वल टू 3 + 3 एंड द रिज़ल्ट इज़ k = 1/6। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट, अच्छा आपने करना क्या होगा, एक तो कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैंने स्किप किए हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी एग्जांपल्स भी देखनी होगी, और कोई इशू हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मीट क्लास है उसकी डिस्कशन में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशंस भी, सो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।